बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे इज आवर लैब 5 इन विच वी आर गोइंग टू सी द सिमुलेशन ऑफ अ पावर डिवाइडर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लैब इज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ पावर डिवाइडर, अंडरस्टैंड द डिजाइन प्रोसेस ऑफ पावर डिवाइडर एंड अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड सिमुलेशंस। एज यू कैन सी इन द फिगर, power divider is a passive microwave device used to divide input power to more than two output ports with lower power level depending on the number of output ports. Directional coupler is used to combine power. Coupler is used to combine power and divider is used to divide the power. As you can see here that P naught is the input power. It is divided into two parts having half power at one part and half power at another part. Similarly, another power splitter splits the input signal to nth time. We will simulate the Wilkinson power divider. Wilkinson power divider are classified into several types depending on the number of output ports or power division ratio. But the most commonly used type is equal split power divider of three port device, which divides input power to two output ports 3 dB as shown in the figure below. Wilkinson power divider has loss free characteristics when output port is coupled. Moreover, two port are isolated and rarely interfere each other. We have even an odd mode pi by 4, 2 z naught power comes here and 2 z naught power comes here. This you can see r is equal to 2 should be fulfilled. तो आज की जो हमारी लैब है वो पावर डिवाइडर की है। जिस पावर डिवाइडर पे हम लोग काम कर रहे हैं या जो हमें लैब में फिजिकली अवेलेबल है वो विल्किंसन पावर डिवाइडर है। विल्किंसन पावर डिवाइडर एक ऐसा पावर डिवाइडर है कि जो एक इनपुट सिग्नल को दो आउटपुट सिग्नल स्प्लिट करके दो सिग्नल्स में करेगा। हाफ पावर एक साइड चली जाएगी, हाफ पावर दूसरी साइड आ जाएगी। तो इसके जो एक दूसरे की पोर्ट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती हैं। मींस जो इधर पी नॉट बाय टू या पी नॉट बाय टू इधर जो दो पावर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगी। इससे आपके पास ये नहीं है कि पावर इंटरफेरेंस नहीं आएगी कि इसकी पोर्ट की इंटरफेरेंस आपको इधर नहीं मिलेगी, इधर की इधर नहीं मिलेगी। तो विल्किंसन पावर डिवाइडर एक काफी अच्छे पावर डिवाइडर्स हैं। इसके अगर आप एनालिसिस में देखें तो आपके पास इवन ऑड मोड आते हैं, ठीक है। टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑल इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक इंपीडेंस जी नॉट इन द सर्किट फिगर इज रिप्लेस बाय सर्किट वोल्टेज सोर्स एट आउटपुट पोर्ट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। The circuit is symmetrically drawn around the center of the line and two source normalized value 2 are connected in parallel to get a normalized resistance 1. This one, ये जो 2Z naught है ना इस पे बात हो रही है कि रेजिस्टेंस 2 रखी है। तो R is equal to 2 for each split power divider 3 dB Z is equal to root 2 and R 2 यानी 2 under root 2 Z naught। तो हम लोगों को अंडर रूट टू जी नॉट इधर इम्पीडेंस मिलेगी, अंडर रूट टू जी नॉट इधर इम्पीडेंस मिलेगी। ये जो फिगर है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एक पाथ है, ये पूरा एक पाथ है, ठीक है। ये एक पूरा टू, ये जो जी नॉट जिसमें लिखा हुआ है ना ये एक पाथ है, ये एक टनल की तरह है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां से पावर आपके पास यहाँ आ रही है, यहां से पावर आपके पास यहाँ जा रही है। तो ये बीच में ये वाला जो कट है ये बेसिकली होता नहीं है, ये इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। ये स्कीमेटिक आ रही है जिसमें आपको वोल्टेज सोर्स का आ रहा था R बाय टू, R बाय टू आ रहा है प्लस V3 इधर आ रहा है। यहाँ आपको वोल्टेज सोर्स लगा के दिखाया गया, ये सारी इसकी इक्वेशंस आ रही हैं। पोर्ट S2 2 और S3 3 इक्वल टू 0, पोर्ट 3 2 एंड 3 आर कपल्ड इन बोथ मोड्स S1 2 S2 1 symmetric because of reciprocal circuit, S1 3 3 1 symmetric because of reciprocal, S2 3
O32 शॉर्टेड और ओपन बाय स्प्लिटिंग सर्किट। तो ये इसका स्कैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। इसके अगर डिजाइन स्पेसिफिकेशन देखें, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास 2.2 से 2.7 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है। टाइप इसकी विल्किंसन है। टू वे इक्वल पावर है। स्ट्रक्चर इंसर्शन लॉस इसका 3.5 dB है। रिटर्न लॉस -18 dB है और आउटपुट आइसोलेशन भी -18 dB की है। तो ये इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। थीटा बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू इधर आ रही है। जी नॉट आपके पास अगेन 50 ओम्स है। जी नॉट पोर्ट इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट की इंपीडेंस 50 ओम्स है। स्टैंडर्ड जो रखा हुआ हमने। सिमुलेशन प्रोसेस पे आते हैं। उसी तरह R04003C सबस्ट्रेट डिफाइन करना है। तो प्रोजेक्ट में गए, इंसर्ट सर्किट डिजाइन में आए, यहां से हमने नन किया, यहां डेटा में आए, इसको प्रॉपर्टी विंडो को बंद कर दें, इसको खोल लें, डेटा में आके ऐड सबस्ट्रेट डेफिनेशन में गए, यहां से सबस्ट्रेट का नाम दे दिया R04R04003C H20ML। टेंजेंशियल लॉस 3.38 है। ER 3.38 है। टेंजेंशियल लॉस जो है वो 0.021 है। Zero point 0.0021 आ रहा और मटेरियल मेटलाइजेशन कॉपर किया, थिकनेस 0.669 ML 0.669 यूनिट में MIL आ जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 20 3.38 0.0021। ठीक है, कॉपर 1.74 उसकी रेजिस्टिविटी तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। 0.669 ML आ रही है। ठीक हो गया, ओके कर दें। सबस्ट्रेट डिफाइन करने के बाद अब हम लोगों को पावर डिवाइडर का सर्किट बनाना है। अगर मैनुअल में आप अगेन देखेंगे तो वो इस तरह से आपके पास इतनी वैल्यूज क्लियर नहीं है, तो ये मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये वही ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेटर है। इम्पीडेंस 50 रखी हुई है और ये वैल्यूज निकाली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये माइक्रोवेव पोर्ट बना लेते हैं। पोर्ट पे के यहाँ पोर्ट लगाई, एस्केप प्रेस किया, डबल क्लिक किया, इसको माइक्रोवेव पोर्ट में इंटरकनेक्ट से माइक्रोवेव पोर्ट में कनेक्ट कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये एक माइक्रोवेव पोर्ट आ रही है मेरे पास। उसके बाद मुझे एक ट्रांसमिशन लाइन लगानी है जिसकी पी और डब्ल्यू पैरामीटर्स गिवन है। ठीक है, मैं इसी तरह कंपोनेंट्स में गया, जैसे हम पहले जाते थे माइक्रोस्ट्रिप में गया, माइक्रोस्ट्रिप में जाकर ट्रांसमिशन लाइन में, और ये एमएस ट्रांसमिशन लाइन फिजिकल बैंड में मैं इधर ले आया। ठीक है, ये मैंने इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसकी डब्ल्यू और पी वैल्यूज मैंने वहां से ओके कैंसल। डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई, एमएम में ही है। ठीक है, वैल्यूज और यहां से पी की वैल्यू मैंने
इसका अगर उसी तरह इंफॉर्मेशन देखनी हो, ठीक है, तो वो आ गई है। ओके करते हैं। तो ये मेरे पास W और P की वैल्यूज जो हमें गिवन है वो हमने लगा दी है, ठीक है, 9.3261 और 1.15393। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आपको समझानी थी जो आप लोगों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करते हुए इजी रहेगी। अब ये वैल्यूज मुझे गिवन है, मैंने इनके अगेंस्ट देखना है कि इनकी इम्पीडेंस क्या है और इम्पीडेंस और इलेक्ट्रिकल लेंथ क्या आ रही है, तो मैं इसको बैक एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मुझे ये 2.4 GHz पे मैच है, 2.4 लिख कर यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस लिखूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेंथ इसकी 44 आ रही है, फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz है, तो इम्पीडेंस आप देख रहे हो 50 ohms पे ये मैच्ड है, यानी 50 ohms और 44 इलेक्ट्रिकल लेंथ के लिए आपके पास ये वैल्यूज निकली हुई है। तो ये आप एनालिसिस करके, एनालिसिस से आप बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, डायमेंशन से इम्पीडेंस वगैरह देख सकते हैं, और इम्पीडेंस और इलेक्ट्रिकल लेंथ हो तो आप विड्थ और फिजिकल लेंथ फॉरवर्ड से कर सकते हैं। तो ये आप दोनों कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। अभी आपके पास इम्पीडेंस 50 ohm है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एक टी है, ठीक है, जिसमें W1, W2 और W3 की वैल्यूज हैं। W2, W3 वो है और W1 आपके पास 1.15393 है। तो इधर से मैं अगर W2 की वैल्यू सिर्फ उठाऊं, क्योंकि बाकी तो मेरे पास वही आ जाएंगी, तो T के लिए हम लोगों को उसी तरह माइक्रोस्ट्रिप में गए, ठीक है, जनरल कंपोनेंट्स में गए, ये हमारे पास T आ गई है, ठीक है। रेफरेंस प्लेनेट एजेस वाली हम लोग लेते हैं, तो ये हमारे पास टी आ गई। ऐसे नहीं, यहाँ पे जो टी यूज हो रही है इसमें वो रेफरेंस प्लेनेट सेंटर वाली है, क्योंकि ये सेंटर का रेफरेंस प्लेन है। 1 2 3 3 आपकी इधर निकल रही है, ठीक है। आपका थर्ड आ रही है, इनपुट आ रही है, थर्ड सिंगल है, और इधर भी, तो यहां से हम रेफरेंस प्लेनेट सेंटर वाली लेते हैं, ये आ रही है, और थर्ड इधर है, तो रोटेट करके थर्ड हमने इधर लगा दिया। W1 यहां से ही देख लें, W1 आपके पास 1.15393 mm है, W2 मैंने वहां से कॉपी की थी, W2 और W3 सेम है। ओके कर दें, तो ये W1 आपके पास, बल्कि ये मेरे ख्याल में W3 होनी चाहिए थी, अगर मैं तो देखूं, हाँ जी, W3 जो है वो 1.1593 है, W2 और W1 है। असल में ये चीज ऐसे पता चलती है कि T के आपके साथ जो कंपोनेंट्स पाथ कनेक्ट हो रहे हैं उन पे कर रहा है। अब इसकी विड्थ 1.15393 आ रही है, तो यहाँ पे भी 1.W3 को 1.15393 होना चाहिए। और यहाँ पे 0.62188 mm होना चाहिए। ओके, हाँ जी, अब ठीक है। 3 की 1.15393 39 तक है, 39 तक है, थ्री है, यहाँ पे भी 393 है, तो वहां पे मिस्टेक हुई हुई है, 393। ओके, और यहाँ पे भी 393,
ठीक हो गया। डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन विड्थ ऑफ फर्स्ट पाथ, विड्थ ऑफ सेकेंड पाथ, देन विड्थ ऑफ थर्ड पाथ। तो थर्ड पाथ की विड्थ आपने इसी ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से रखी है, विड्थ ऑफ फर्स्ट और सेकेंड हम लोग जो उनसे ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्ट करेंगे उनकी विड्थ भी हम ये सेम रखेंगे। अब इसके बाद देख लें, विड्थ 0.6 0.6 ही है और फिजिकल लेंथ 1.95 और 1.95, क्योंकि हम यहाँ पे इम्पीडेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देख लें जो फिजिकल लेंथ थी वो डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक और ट्रांसमिशन लाइंस इस तरह से लगाते हैं, इसी को ही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, विड्थ तो मैं यहाँ से 0.621882 0.6182 0.621 0.6 2 1 8 2 आ रही है, और फिजिकल लेंथ अगेन मैं यहां से देख लेता हूँ 1.95 mm है। तो 1.95 mm 1.95 mm ठीक हो गया। TRL में जाएं और इसी का ही अगर मैं 2.4 GHz पे बैक एनालिसिस करूं तो मेरे पास यहाँ पे अब 70 ओम और इलेक्ट्रिकल लेंथ इसकी 8.93754 आ रही है। ठीक है, यानी कि अब इम्पीडेंस जो है वो 70, जो पहले 50 थी वो अब सबको 70 मिल रही है और इलेक्ट्रिकल लेंथ घेर रही है। ठीक है, 9 पॉइंट नहीं 1.95 नहीं थी, ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब ठीक है, तो एक इस तरफ और एक इसी तरह इसकी इस तरफ कनेक्ट हुई हुई है सर्किट में। क्योंकि सर्किट काफी बड़ा है तो मैं इसीलिए कंपोनेंट्स को थोड़ा क्लोज क्लोज रख रहा हूँ ताकि हम इजीली व्यू कर सकें इसको। ठीक है, तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन इधर आ गई, एक ट्रांसमिशन लाइन इधर आ गई। अब इसी तरह ऊपर आते हैं, ये बैंड है, रेडियल बैंड है, जिसमें W गिवन है, एंगल 90 डिग्री है और 6 mm। तो वो जो थीटा बाय टू की बात हुई थी वो 90 डिग्री हम यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं, 90/180 को 90 डिग्री हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो थीटा बाय टू यहाँ से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, कि थीटा बाय टू इधर आ जाएगा, थीटा बाय टू इधर आ जाएगा, रेडियल बैंड लगाते हैं। इसके बाद जनरल कंपोनेंट में नहीं, या बैंड्स में होगा, बैंड्स में MS बैंड, अनमेटर्ड मेटर्ड हम लोगों ने देखा था, अब हम रेडियल बैंड को देख रहे हैं। MS रेडियल बैंड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये इधर आ गया। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करें। अब यहाँ पे इसकी विड्थ आर और एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है,
आर 6 mm है और विड्थ 0.62182 है, ठीक है। आर 6 mm है, विड्थ 0.62, और सबस्ट्रेट हमारे पास वही आ गया। ओके कर लिया, एंगल 90 है, डब्ल्यू 0.R6 आ गया, ठीक है। ये बैंड एक इधर लग गया, इसी तरह यहाँ पे नीचे भी यही बैंड लगे हुए हैं, और इधर भी 0.62182 एंगल आर 6 mm है, आर 0, यानी ये बैंड उसको बैंड दे रहे हैं दो पार्ट्स की तरफ। तो मैं इसी बैंड को एक इधर, एक इधर और एक इधर लगा रहा हूं, इसको रोटेट कर रहे, ठीक है। ये इधर कनेक्ट हो गया, कंट्रोल आर से रोटेट होता, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और क्लोज कर देता हूं ताकि मेरे पास सर्किट जो है वो जूम वाली कंडीशन में जरा अच्छे वैल्यूज नजर आए, ठीक है। तो मैंने यहां तक बना लिया, आगे फिर एक टी है, ठीक है, एक टी है। रेजिस्टर ये CRT21AVX का रेजिस्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला पाथ कंप्लीट करते हैं, ऊपर वाला पाथ कंप्लीट करते हैं। नीचे वाला ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। टी हम लोगों को लगानी है, टी में यहां से कॉपी करके मर्ज लेयर पेस्ट, इसको रोटेट कर ले और इसको भी रोटेट कर ले। ये थोड़ी सी हमें नीचे करनी पड़ेगी बाद में, क्योंकि बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन, दो ट्रांसमिशन लाइंस आनी है और बीच में रेजिस्टर आना है, तो इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें, मेरी कोशिश, ठीक है। इसको मैं एक ऐसे जूम में रखूंगी जहां पे नजर आए, मगर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके बीच में एक रेजिस्टर भी आना है, तो वो रजिस्टर की स्पेस बचेगी नहीं। अब आ जाना चाहिए उसको रजिस्टर को। खैर, हम ऊपर अगर इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं, स्टी को इधर और इसको इधर, तो हम इस टी पे बात कर रहे थे, अब इस टी पे आते हैं। ये वाली जो टी है, W1 1.5 है, ठीक है, यानी इधर 1.5 है, W2 तो हमारे पास 0.6 है, और W1 अगेन 1.5393 जो इधर वाली है वही आ रही है, 1.5393, ठीक है। W3 जो है वो हमारे पास 1.5393 आ रही है, W2 0.62182 ही आएगी, और W1 हमारे पास चेंज हो जाएगी।
W1 का जो मेरे पास आ रहा है वो 1.5 mm है। W1 जो है वो हमारे पास 1.5 mm आ रही है। ओके करते हैं, तो W1 यानी इस तरफ 1.5 mm है, यानी यहाँ पे अब विड्थ 1.5 mm की लगेगी। तो उसकी फिजिकल लेंथ बाद में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, W2 जो है वो हमारे पास 0.62182 के हिसाब से आ रही थी, वो 0.62182 है, और W3 1.15393 जो कि यहां से हमें मिल रही थी वो आ रही है। अब इसके बाद 1.15393 और P7 mm, तो बल्कि इसको कॉपी, इधर कनेक्ट करते हैं, 1P7 mm है और 1.15393 ही है। ठीक है, P7 mm है, TRL में जाएं, और इसमें अगर मैं इसको 2.4 GHz दे के एनालिसिस करके देखूं, तो अब मेरे पास आउट इम्पीडेंस देख लें कितनी आ रही है, 50 ohms, तो 50 ohms इधर आएगी, 50 ohms ही उधर आएगी। इम्पीडेंस आपके पास इसी तरह होगी, दरमियान में जो रेडियल बैंड्स की वजह से इम्पीडेंस हम लोगों के पास बढ़ रही होती है, बाद में हम उसे विड्थ के थ्रू अगेन बैलेंस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेंथ 32 आ रही है, इम्पीडेंस आपके पास अगेन 50 आ रही है, तो 50 इम्पीडेंस आपको इधर मिलेगी, 50 ही इम्पीडेंस आपको नीचे मिलेगी। अगेन मुझसे 1.7 mm है, 1.7 mm, ओके हो गया। इसके बाद मुझे एक बैंड लगाना है आज, जिसमें 1 mm का, इसमें रेडियस 6 mm का था, ठीक है, तो वो इम्पीडेंस इस वजह से यहाँ पे 71 सी थी, इसमें रेडियस मैंने 1 mm कर दिया ताकि मेरे पास इम्पीडेंस का इतना फर्क ना पड़े, और उस इम्पीडेंस को अगेन मैंने यहाँ पे फिजिकल लेंथ से बराबर कर दिया। तो मैं ये सर्किट बना लेता हूँ अगेन, कंट्रोल आर से इसको रोटेट कर लिया मैंने, ये आ गया रेडियस इसका मैंने 1 और विड्थ 1.15393 दे दी। ओके हो गया, 1.15393 रेडियस आ गया। फिजिकल मुझे ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, एक रोटेट कर लिया मैंने, 1.5393 आ रहा, फिजिकल लेंथ इसकी 25 mm है, फिजिकल लेंथ अब 25 mm आ रही है। अच्छा, अब अगर TRL यूज करके देखें, ठीक है, 1.5 1.5393 और फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz, अब एनालिसिस करें, इम्पीडेंस आपके पास 50 ही आएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लेंथ हमारे पास बढ़ रही है, इम्पीडेंस हमारे पास वही आ रही है, 1.5393। अगेन यहां से कंट्रोल से इसको करके फिर बैंड दिया हुआ पाथ बनाने के लिए, R1 है, एंगल 90 है, 1.5393 ही है, ठीक है, 1.15393 एंगल 90 डिग्री है, R1 है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, 12 mm फिजिकल लेंथ के साथ है, इसी को मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया, और रोटेट कर लेते हैं इसको, फिजिकल लेंथ इधर से 25 की जगह 12 mm है, फिजिकल लेंथ 12 mm आ गई। ठीक है, और आगे फिर मैंने अगेन पोर्ट लगा देनी है, तो यहां से मैं पोर्ट उठाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इसको माइक्रोवेव पोर्ट में कन्वर्ट करके ओके किया, और यहाँ पे मैंने ये पोर्ट इंसर्ट कर दिया, तो ये एक पाथ मेरे पास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ये एक पाथ कंप्लीट हो गया, सेम यही पाथ मेरे पास नीचे भी आता है। ठीक है, तो
तो मैं इसी ठहरे बोल के इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, 1.95 आ रहा है ये, क्योंकि एक जैसे ही कंपोनेंट्स है तो हम वही 1.5 देख रहे हैं। W1, इसका W1, अच्छा इधर से आ रहा है ना, इसका W1 चेंज होगा। इसका W2 1.5 है और W3 1.5393 है। ठीक है, वही वैल्यू मैं कर लेता हूँ। W1.5 है, P1 है मैम, यानी इसके P जो है वो 1 mm है। अब इधर अगेन अगर मैं इसकी इम्पीडेंस मैप करना चाहूँ कि क्या मुझे इम्पीडेंस इधर क्या मिल रही है 2.4 पे, तो 42.44। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लेंथ ये आ रही है 42.44 है। आगे हम रेजिस्टर भी लगाएंगे तो उस हिसाब से बैलेंस हो जाएगी। तो इन इसको पहले टी को मैं कॉपी करता हूँ, मर्ज लेयर, मैंने टी यहाँ लगाई, उसके बाद ये यहाँ लगा दिया। अब आ जाते हैं इस पे, तो W, इसको अगर थोड़ा सा मैं जूम कर लूं, ठीक है, तो W1 के ऊपर जो विड्थ है वो 0.621 आ रही है। तो W1 के ऊपर जो विड्थ है वो है 0.621882। मुझे ये यहां से पता चल रहा है कि इस पाथ पे ये आ रही है। ठीक है, W2 पे जो विड्थ है वो 1.5 है, W2 पे जो विड्थ है वो 1.5 mm है, और W3 पे 1.15393 वाली आ रही है। तो ये ओके हो गया, मैंने वैल्यू सेट कर दी है। बाकी इसकी तो 1.5 और P1 mm ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, P1 mm ही है। अब अगेन ऊपर 1.17 है, बैंड भी वही है 1.15325, 25 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, बाकी ऊपर वाले कंपोनेंट्स ही सेम आएंगे। तो ऊपर वाले कंपोनेंट्स ही हम लोग वहां से उठा के इनकी वैल्यूज चेंज करें, तो इससे है कि हम यहाँ से इसको कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये आ गया बैंड, ये लगाया, मगर इसको रोटेट कर लें क्योंकि इसका पाथ नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह देखें, ये पाथ नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये आ रही है, फिर अगेन बैंड और ट्रांसमिशन लाइन है, और फिर माइक्रोवेव पोर्ट है। इस बैंड को मैं रोटेट कर लेता हूँ, ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे सच उसी तरह लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और पोर्ट है, तो यहाँ से मैंने पोर्ट उठा ली, पोर्ट यहाँ पे लगाई, इस पे डबल क्लिक करके इसको माइक्रोवेव पोर्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये माइक्रोवेव पोर्ट लग गया मेरे पास। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सर्किट अब कंप्लीट है, सिर्फ एक बीच में रेजिस्टर रह गया जिसका मैंने आपको कहा था कि हम बाद में लगाएंगे। ये AVX का रेजिस्टर है, CR2104R47 के, और 100 ohms इसकी रेजिस्टेंस है। तो उसी तरह हम जैसे गए थे पहले कॉन्फ़िगर लाइब्रेरीज में। ठीक है, कॉन्फ़िगर लाइब्रेरीज में हम लोगों को वेंडर में जाना है, तो मैं पहले इन सब को नॉन रेजिस्टर में AVX को मैंने ऐड करवा दिया, ये AVX की लाइब्रेरी मेरे पास ऐड हो गई है। ठीक है, अब AVX की लाइब्रेरी आपको यहाँ वेंडर एलिमेंट्स में रेजिस्टर AVX नजर आ रहा है। अब AVX में आपको ये सारे
नजर आ रहे हैं। इसमें अब हमें AVX CR210R47, CR210R47 AVX210R47 0R91 TC100 लग। तो ये रेजिस्टर मैंने उठाया और इधर आ गया, तो 0R21 0R47, इस पे डबल क्लिक करें तो आपके पास आ रहा है। हाँ जी, तो ये हमें मिल गया CR210R, जो है वो हमारे पास 100 है। ओके, क्या 100, इसको रोटेट करके इधर बीच में हमने लगा दिया। ठीक है, CR210R47 के 100 है, यही है। ठीक है, CR210R47 के 100, तो यही रजिस्टर हमने लगा दिया। तो इसके साथ हमारा अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने देखा कि कैसे हमें यहाँ पे 50 ओम इम्पीडेंस मिल रही थी, यहाँ पे बीच में 70 तक गई, फिर हमने बैंड्स लगाए, उसको बैलेंस किया, यहाँ पे हमें 50 ओम है इनपुट पे और आउटपुट पोर्ट पे इम्पीडेंस हमें 50 ओम्स है। हमने एंगल को θ/2 रेडियल बैंड से देखा, रेडियल बैंड दिया है, उसके रेडियस 6 mm और 1 mm की वजह से बैंड्स में इम्पीडेंस बैलेंस हो रही है। अब इसका अगेन एनालिसिस करते हैं उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। अगर सर्किट इसका बड़ा है तो थोड़ा सा मुझे इसको जूम आउट करना पड़ रहा है कंप्लीट सर्किट को देखने के लिए। ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस है हमारे पास 2.2 से 2.7 और 0.01 GHz का। तो एनालिसिस सेटअप में आप देख रहे हैं 2.2 से 2.7 और स्टेप जो है वो 0.01 GHz का है। तो हम इधर आ गए, एनालिसिस में गए, ऐड सॉल्यूशन सेटअप, नेटवर्क लीनियर नेटवर्क फ्रीक्वेंसी डोमेन है, यहां से हमने इसी को एडिट किया 2.2 से। टू पॉइंट सेवन गीगा हर्ट्स और स्टेप जो है वो मेरे पास 0.01 GHz का, 0.01 GHz का। तो ऐड करें जो 0.001 है। अच्छा, अगर इसको मैं 0.001 ऐड और ये जो फर्स्ट वाला है इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2.2, 2.7, 0.001 GHz। ओके करके फिनिश किया, इसको एनालाइज किया, तो ये मेरे पास एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली। अब इसके ठीक है कर्व्स देख लें, S11, S22, S33, 11, 22, 33, 23, 21 और 3-1, तो ये कर्व्स हमें देखनी है। रिजल्ट्स में गए, क्रिएट रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट रिपोर्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहां से अगेन देख लें, 11, 22, 33, तो 11 को एड ट्रेस कर लिया, 22 एड ट्रेस कर लिया और 33 को एड ट्रेस कर लिया। डीबी में ही है S11, S22, S33। ठीक है, S11, S22, S33। अब 23 और 21 को ऐड करना है, 23 और 21 को, तो 23 को ऐड कर ले, 21 को ऐड कर ले, 23 और 21 ऐड हो गई है। इसके बाद 23, 21 और 31 को ये इसी तरतीब में रखिएगा ताकि आपके पास रिजल्ट्स इसके जो मैनुअल में
रिजल्ट्स दिखाए गए हैं उसके हिसाब से आए, ठीक है। 2 3 2 1 और 3 1, तो 2 3 2 1 और अब आखिर में 3 1। एट ट्रेस करके जैसे ही डन करेंगे मेरे पास ये कर्व्स आ रही हैं, ठीक है। उसी तरह की कर्व्स हैं जैसे मैनुअल में, ये थोड़ी सी जूम हुई हुई है इसलिए आपको डाउन हुई हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। वो जूम हुई हुई है फ्रीक्वेंसीज पे। अब अच्छा 2.2 से 2.7 के बीच में सेशन लॉस, रिटर्न लॉस और ये आपके पास आ रहे हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये 2.4 के ऊपर रीडिंग्स निकली हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह राइट क्लिक करें, डेटा मार्कर से कर सकते हैं, मार्क ऑल ट्रेसेस, मार्क ऑल ट्रेसेस पे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं मूव करता हूँ 2.4, किधर रोकी है उन्होंने, 2.45 के ऊपर, तो 2.45 के ऊपर चले जाते हैं, 2.45 के ऊपर। तो 32.6 से 24, 24 ये तो 2 2 और 3 3 तो रिटर्न लॉस आ रहे हैं ना पोर्ट्स के, ठीक है। वो तो आपके पास सेम है। और इसी तरह 2 1 और 3 1 में जो पावर डिवाइड हो रही है वो आपको नजर आ रहा है, 3.17 3.17 आ रहा है, 2 3 26.10 और 32.68 आ रही है। तो हम लोग जरा रिजल्ट मैच करें तो 32.6 है, ठीक है। इसको जूम कर लें, तो 32.68 आ रही है, 23 पॉइंट तो वो 24 है, 23.8 है तो 24 ऑलमोस्ट वही है, तो 24 वही आ रही है, सेम आ रही है। 28 नहीं बल्कि सॉरी 26 है, तो वो 26.0 समथिंग है, -3.17 3.17 वही आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ के हिसाब से आप देखें, इंसर्शन लॉस 3.2, ये 3.17 3.17 के हिसाब से आ रहा है, इससे कम, 3.2 से कम है, तो इंसर्शन लॉस आपके पास 2 1 और 3 1 पे बिल्कुल मैच हो रहा है 3.2। रिटर्न लॉस 21.9 से होना चाहिए, तो रिटर्न लॉस आपके पास 24 और 24 आ रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल रिटर्न लॉस इससे या इससे ऊपर होना चाहिए था। आइसोलेशन आउटपुट 19.3 आ रही है, तो वो हमारे पास 26.10 32.68 उससे ऊपर ही आ रही है, तो आउटपुट आइसोलेशन भी हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। तो जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये कर्व्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लॉट्स हैं इनको आप थिक लाइन विड्थ वगैरह इनकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर्व सिलेक्ट करें तो प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे आपको फॉन्ट लाइन स्टाइल कलर हर चीज आ रही होगी। यहाँ पे 10 है, अगर मैं इसको 30 कर दूं, अप्लाई टू ऑल ट्रेसेस है, सारे ट्रेसेस पे हो जाएगा। ओके करें तो ये सारी कर्व्स आपके पास थोड़ी थिक हो गई हैं, और एक्यूमुलेट इसी तरह एक्यूमुलेट आ रहा है। अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो ये एक्यूमुलेट के हिसाब से आपके पास आ जाएगा, और जूम करके देखना है तो अगेन आप इनको जूम इन, जो लेवल्स आपने जूम करने हैं अगर मैं उनको जूम करके देखूं, जिस तरह आपके पास रिपोर्ट्स आ रही है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो फिट ऑल करना, तो ये फिट ऑल में रिपोर्ट्स इस तरह से आपके पास आ जाएगी।
तो ये आज की हमारी लैब थी। अब इसकी अगर लेआउट देखनी है आप लोगों ने 3D, तो ये मेरे पास 3D लेआउट आ रही है इसकी। और जिस तरह मैनुअल में हमें 2D दिखाई हुई है, तो जिस तरह ये लेआउट है, इस लेआउट को देखते हैं। ये मेरे पास वो भी क्योंकि अलाइन नहीं है पोर्ट्स, इस वजह से इस तरह की आ रही है। तो मैं अगर यहां से 3D व्यू को खत्म करके स्कीमेटिक में आऊं, तो ये देख रहे हैं मेरे पास ये नहीं है। इसको मैंने कंट्रोल ए किया, उसी तरह सर्किट पे गए, ड्रॉ में ये अलाइन माइक्रोवेव पोर्ट्स, अब अलाइन किया तो अब अलाइंड हो गई हैं। ठीक है, अलाइंड करने के बाद अब मैं इसको 3D में देखता हूँ, तो मेरे पास वही व्यू आ रहा है जो मैनुअल में गिवन है, इस तरह का। तो ये देख रहे हैं, यहाँ से ये इनपुट पोर्ट है, यहाँ से आपके पास रेडियल बैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस के साथ रेडियल बैंड्स हैं। रेडियल बैंड्स के बाद यहाँ पे टी है, टी के बाद यहाँ पे लाइन थिक है, यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइंस थिक है, यहाँ पे ये इनकी विड्थ कम हो रही है। उसी तरह 0.6, 1.15393, 1.15393 आ रही है, और यहाँ बीच में 1.5 आ रही है। रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्योंकि वो लम्प्ड कंपोनेंट में आता है तो वो यहाँ पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स आपको ये सारे नजर आ रहे हैं। तो आज की लैब यहीं तक है, इसके बाद रिपोर्ट्स पे रिजल्ट्स आपको प्लॉट करने हैं, सारी जो कर्व्स गिवन है वो आपने बनानी है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह वो हम क्यूरी के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।